मेरे घर पर आ चुका है मेरा ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड जो कि मैंने बैंक में जाके अप्लाई किया था। सो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इसे घर बैठे इसका पिन जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके यहाँ कार्ड डिलीवर हो तो आप देख लीजिएगा कि ये जो एनवलप है वो पैक है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पैक था, कहा है कि अब मैंने अपना ये एनवलप ओपन कर लिया। अब चलिए मैं अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बाहर कर लेता हूँ। सो इस डॉक्यूमेंट में क्या है, हमारा नीचे डेबिट कार्ड है वो लगा रहता है। तो इसमें क्या स्टेप्स लिखे रहते हैं कि किस तरीके से आपको जो अपना पिन है वो जनरेट करना है। सबसे पहले क्या है, आपको अपने मोबाइल में आई मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करनी है, चाहे आप आईफोन चला रहे हो या एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हो। देन जैसे आप लॉगिन करेंगे उसमें आपको कार्ड एंड फोरेक्स वाले ऑप्शन पे जाना है। देन वो कार्ड सेलेक्ट करना है, जो ये वाला आपका जो कार्ड आया है क्रेडिट कार्ड। देन उसका पिन जनरेट करना है। देन एक OTP आएगी, आपका पिन जनरेट हो जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कार्ड एंड फोरेक्स, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। क्या है कि आपके जो कार्ड से वो यहाँ पर आने लगेंगे। अब देखिए जो मेरा कार्ड है वो आ रहा है, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जनरेट पिन, आपको ये ऑप्शन यूज करना है। ये ऑप्शन यूज करेंगे देन आपको अपना 4 अंक का पिन डालना है, देन फिर से वो लिखना है। देन उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। जैसी OTP आएगी उसके बाद क्या है कि आपका जो न्यू पिन है वो जनरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप घर बैठे ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो पिन है वो बना सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।